पता है आप अगर कोई शेयर खरीदते हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा तो कट जाएगा बट आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट हैं, एक तो पैसा और दूसरा स्टॉक। पैसा आपने भेज दिया, अब सेलर के डीमैट अकाउंट से शेयर्स को डेबिट करके आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए बीच में पड़ता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसका काम है ऐसे हर दिन के करोड़ों ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली वेरीफाई करके प्रोसेस करना। 2002 तक हमारे पास T+5 सेटलमेंट साइकिल था, मतलब कि आज आप शेयर खरीदोगे तो वो आपको छठे दिन पर मिलेंगे। 2002 में हुआ T+3 और 2003 में हो गया T+2, मतलब आज शेयर खरीदोगे तो परसों तक आपको मिल जाएंगे और सेलर को भी पूरा पैसा परसों तक मिल जाएगा। एंड सेबी ने चाहा कि इसको और फास्ट किया जाए, 2021 में लॉन्च कर दिया T+1 सेटलमेंट और अब मार्च तक सेबी इंप्लीमेंट करना चाहता है T+0 सेटलमेंट, मतलब सेम डे आपको शेयर्स मिल जाएंगे और सेलर को पैसा। अब नितिन कामत के ओपिनियन में दिस इज एक्सट्रीमली टफ। मान लो आपने शेयर खरीदा किसी इंट्राडे ट्रेडर से और इंट्राडे ट्रेडर्स यूजुअली शेयर्स की डिलीवरी नहीं लेते, तो उसके पास आपको देने के लिए शेयर्स नहीं होंगे, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास पहले हर दिन के इंट्राडे ट्रेड्स को सॉर्ट करने का काम है, उसके बाद पता चलेगा कि आपको शेयर्स कौन देने वाला है। दिस इज ऑल्सो वाई इंस्टेंट सेटलमेंट तो शायद इम्पॉसिबल है। बाय द वे T+0 पे आने वाले हम दुनिया के सेकंड कंट्री है, फर्स्ट कौन है ये आप बताओगे? नॉट US।